गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डैन व्हील्स। कैसे आप सब लोग? तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो अगेन एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। ये वीडियो खास करके अल्ट्रोस डीजल के ओनर्स के लिए ज़्यादा स्पेसिफिकली उनके लिए होगा, बिकॉज मेरे जो दो तीन फ्रेंड्स हैं जिनके पास अल्ट्रोस डीजल मॉडल है, तो उन्होंने मुझे कंप्लेंट की कि अगर वो जब एक स्लोप आता है, लाइक स्लोप चढ़ने वाला स्लोप चढ़ाई पे अगर वो गियर फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड शिफ्ट करते हैं, तो उनकी कार बिल्कुल भी पिकअप देती नहीं, पूरी डाउन हो जाती है, बिल्कुल भी कार पावर देती नहीं, उनको फिर से सेकंड टू फर्स्ट गियर शिफ्ट करना पड़ता है तो ही कार पावर देती है। तो मैं क्या करूँगा, एक अभी फिलहाल तो मैं एक लोकेशन पे रुका हूँ जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ताकि मैं वीडियो बना सकूँ। एक हम लोग इधर एक लोकेशन है एरिया में आसपास, जहाँ पे ईस्ट से वेस्ट जाता है एक ब्रिज, तो वो ब्रिज के ऊपर मैं कार लेके जाऊँगा। कार का एसी ऑन रखूँगा और कार स्टार्ट करूंगा फर्स्ट गियर से और लेके जाऊंगा सेकंड गियर में, और एक्सीलेटर प्रेस करके दिखाऊंगा कि मेरी कार पावर देती है नहीं, ताकि जो भी जिनके पास भी अल्ट्रोस डीजल है, जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको एक प्रॉपर आइडिया आ जाएगा कि ये हर कार में प्रॉब्लम है, लाइक हर अल्ट्रोस डीजल के प्रॉब्लम है या सिर्फ उनके स्पेसिफिक कार में प्रॉब्लम है। अगेन मैं एक चीज़ आपको सही से बताना चाहता हूँ गाइस, नोट करिए कि मेरी जो अल्ट्रोस डीजल है उसका ECU अपडेट हुआ था फेब 2021 में। मेरा कार के जब मैंने कार खरीदी तब मेरा ECU था, वो था A04 अल्ट्रोस डीजल में, और मेरा अभी ECU है A06। तो मे बी बिकॉज ऑफ ECU अपडेट फ़र्क पड़ सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जाती है वो लोकेशन पे जहाँ पे ब्रिज है, एंड यहाँ पे वीडियो पॉज करता हूँ और वहाँ पे जाके अगेन वीडियो चालू करता हूँ। एंड अभी से मैं सॉरी बोल देता हूँ गाइस, बिकॉज मैं वीडियो एक हाथ से निकालूंगा और एक हाथ से कार चलाऊंगा, तो मे बी वीडियो ज़्यादा क्लियर नहीं आए ना भाई, तो मैं मेनली इस पे फोकस करूंगा, बिकॉज आपको RPM बढ़ेगा और स्पीड बढ़ेगा तो समझ जाएगा कि कार स्लोप पे पिकअप दे रही है नहीं। और मैं आपको दिखा दूंगा गियर शिफ्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, और फट से मैं कैमरा यहाँ पे लेके आऊंगा तो आपको दिखाने के लिए। AC ऑन रहेगा ताकि कार पे लोड आ सके मैक्सिमम, तो मैं एक्चुअली आपको दिखा सकता हूँ कि प्रॉब्लम मेरे कार में है या नहीं है। ऑलराइट, तो जाते हैं उधर और वहाँ से वीडियो चालू करते हैं, मिलते हैं वहाँ पे। ऑलराइट, तो हम लोकेशन पे आ गए। एज यू कैन सी वहाँ पे एक सामने ब्रिज है और काफ़ी स्टीप ब्रिज है, वो एकदम ऐसा ईजी गोइंग नहीं है, काफ़ी हैवी स्लोप है उसको। तो कार चालू करते फर्स्ट गियर में रहूँगा और ब्रिज चढ़ते ही फर्स्ट टू सेकंड शिफ्ट करना ट्राई करूँगा। दो मिनट रुक लेते हैं, पीछे से ट्रैफिक आ रही है, ट्रैफिक क्लियर होने देते फिर अगेन वीडियो को चालू करते। चलते हैं अभी। तो यहाँ पे ब्रिज के स्लोप पे मैं कार अभी चालू रखी है, AC ऑन कर लेता हूँ। AC के फ्लो से कुछ फर्क नहीं पड़ता, AC ऑन रहने से फर्क पड़ता है। स्लोप पे खड़ा हूँ, फर्स्ट गियर पे अभी डाल रहा हूँ। ओके, पीछे से कार आ रही है, कार को पास होने देते हैं, एंड अभी मैं फोकस यहाँ पे करूँगा। ऑलराइट गाइस, चालू करते हैं। AC अभी भी ऑन है, शिफ्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड। जैसे कि आपने देखा मेरी कार स्लोप पे फुल पावर देती है विथ AC ऑन, कोई भी इश्यूज मेरे कार में तो नहीं है। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आई एम रियली श्योर अबाउट दैट कि आपका कार का जो ECU होगा वो A04 होगा। ये अल्ट्रोस डीजल की बात कर रहा हूँ मैं, अल्ट्रोस पेट्रोल से कुछ लेना देना नहीं ये चीज़ का। तो आपका जो ECU है वो A04 से A06 पे अपडेट करिए, तो ये जो प्रॉब्लम है पावर लैक का वो फॉर श्योर निकल जाएगा। एक सेकंड के लिए रुकिए, मुझे जस्ट कार साइड में पार्क करने दीजिए ताकि मैं सेफली आपसे बोल पाऊँ। कार ऑफ कर लेते हैं, बिकॉज आपको तो पता है फ्यूल प्राइसेस का क्या चालू है, फ्यूल प्राइसेस तो गए आसमान छूने, तो इट्स बेटर है टर्न ऑफ द कार एंड टॉक विथ यू। तो आपने देखा मेरे कार में अल्ट्रोस में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जिन्होंने मुझे बताया कि उनके कार में प्रॉब्लम है, शायद उनकी कार बहुत नई नहीं हो। मेरी कार तो 6000 किलोमीटर चल गई है, तो मे बी मेरा इंजन जो है प्रॉपरली पावर देता है, एंड या मतलब मेरे कार में तो कोई इशू नहीं है स्लोप को लेके। स्लोप पे मेरी कार फुल पावर देती है विद AC ऑन,
तो जिनको भी प्रॉब्लम है आई एम श्योर अबाउट दैट कि वो ECU का सीन होगा, तो आप अपना कार का ECU चेक कर लीजिए। और मैंने बहुत बार देखा है बहुत पीपल बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके जो सर्विस सेंटर के लोग हैं वो बोलते कि ऐसा कोई कार में ECU अपडेट नहीं है। तो मैं आपको बोल देता हूँ गाइस, ऐसे कार के हिसाब से तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा ECU अपडेट आता नहीं है। लाइक कार में आएगा तो ही ECU अपडेट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज जब मैं सेकंड सर्विस करने गया था मेरी कार का, तब मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि कार का ECU अपडेट करो, तो उन्होंने मुझे बताया था कि शायद कोई ECU अपडेट नहीं है। मैं उनको बोला कि चेक कर लो एक बार, उन्होंने चेक किया, 10-15 मिनट में आके मुझे बोले कि हाँ ECU अपडेट है आपके कार के लिए। दैट डज नॉट मीन कि मेरे कार के लिए, वो उन्होंने बोला इन जनरल ECU अपडेट A06 अवेलेबल है। और मेरे सामने, मैं वहाँ पे 2 घंटा तक रुका था, दो घंटे के लिए वहाँ पे रुका था मैं, और मेरे सामने उन्होंने ECU अपडेट किया। तो वही फाइनल वर्डिक्ट है गाइस, आप अपने सर्विस सेंटर के जो लोग रहेंगे वो अगर मना कर रहे तो उनको फोर्स करिए कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है और मुझे प्रॉब्लम रेक्टिफाई करने की ECU अपडेट चाहिए, मतलब चाहिए करके, वो आपको करके देंगे। वो बहुत कामचोर लोग होते हैं, उनको उसमें ECU अपडेट करने में 1-2 घंटा लग जाता है। और एक एल्ट्रोस की वहाँ पे रेड कलर में लुक्स गुड, तो सॉरी रैंडमली मैंने वो एल्ट्रोस को पॉइंट आउट किया। तो हाँ, तो ECU अपडेट करने में उनको टाइम लगता है, इसीलिए वो लोग मना करते हैं। उनके पास ECU अपडेट सब रहता है बट वो मना करती है बिकॉज उनको वो करने के लिए बोर होता है। इसीलिए तो उनको फोर्स करिए कि ECU अपडेट चाहिए, मतलब चाहिए, तो आपको करके देंगे एंड फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। अगर वो बोलेंगे कि मेरे को आपको 1000 रुपीज़ लगेंगे या 2000 रुपीज़, ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको करके देना ही पड़ेगा, उनको काम है, उनका काम है वो करके देना। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जिनको भी प्रॉब्लम आ रहा है। एंड अगर आपको लगता है वीडियो इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस। सब्सक्राइबर्स बहुत कम है चैनल के, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में डालते जाता हूँ बट सब्सक्राइबर जितने चाहिए उतने नहीं मिल रहे। तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके पास अल्ट्रॉस है या फिर दूसरी कोई भी कार है जिनमें टाटा के जो इंजन शेयर होते हैं, जैसे कि नेक्सॉन या अल्ट्रॉस या टियागो टीगोर। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ एंड बी सेफ़।